हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम मोटू पतलू का एक प्रोफेशनल कार्टून वीडियो बनाने वाले हैं और आपको सिखाएंगे कैसे आप भी बना सकते हो। आजकल मार्केट में काफ़ी सारा डिमांड है मोटू पतलू के वीडियो की। लोग मोटू पतलू की वीडियो काफ़ी देख रहे हैं। इस तरह के चैनल जो मोटू पतलू की वीडियो अपलोड करते हैं वो काफ़ी सारे ग्रो हो रहे हैं आज के टाइम पर। तो कैसे क्रिएट करना है आज सारा कुछ हम आपको बताएंगे। कैसे अगर आपने ये सीरीज़ का जो ट्यूटोरियल नंबर 1 है वो नहीं देखा, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमने उसका लिंक वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इजीली उसको जाके देख लीजिए। उसमें हमने आपको क्रोमाटून एप्लीकेशन के बारे में सारा कुछ बताया, कैसे आप क्रोमाटून एप्लीकेशन का यूज करोगे और क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उसके फ्यूचर हैं, उसके अंदर आप किस तरीके से एनिमेशन करते हो और कैसे उसको यूज करना है, वो सारा कुछ हमने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। ये सीरीज वन बाय वन चलेगा जिसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कार्टून वीडियो बनाना सिखाएंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो मोटू पतलू कार्टून के बारे में है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज हम मोटू पतलू की वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कारीगर एनिमेशन गाइस, मोटू पतलू वीडियो बनाने के लिए आपको क्रोमाटोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लेट्स स्टार्ट वाले ऑप्शन पे चले जाओगे। जैसे आप लेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे जाते हो, यहाँ पे आपको पूछता है कौन सा आपका वर्जन है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका वर्जन है, अगर आप दूसरा यूज़ कर रहे हो तो दूसरा सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप पहला यूज कर रहे हो तो पहला सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपके दो एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पे हम जो भी यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके के 4 कैरेक्टर्स हो जाते हैं। यहाँ पे आप मिनिमम 4 कैरेक्टर ही ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में शायद ये कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ा दिए जाएँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये चारों कैरेक्टर अच्छे से मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि एक ही तरफ ये मूवमेंट कर रहे हैं। इनके अंदर आप बहुत सारे एनिमेशन डाल सकते हो, जैसे कि मैंने प्लस वाले आइकन पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये आइडल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको एंग्री कर सकता हूँ और यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा कि एंग्री हो गया। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे आपको एनिमेशन मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो यहाँ पे मोटू पतलू का कार्टून वीडियो बनाएंगे। आपको यहाँ पे हम ऐप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है, क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में सारा कुछ बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिए। उसमें हमने आपको A to Z बताया है कैसे आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हो, ये सारे एनिमेशन आप कैसे यूज कर सकते हो, और इस एप्लीकेशन के बारे में हमने सारी डिटेल आपको पिछली वीडियो में दे दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से देख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम आए जब आप अपना जो कार्टून वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सिंपल ये जो कैरेक्टर है इनको हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आइकॉन दिखाई दे रहा है आपको उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो कैरेक्टर हैं उनको कस्टमाइज़ करेंगे, यानी कि हम अपने मोटू पतलू के जो कैरेक्टर हैं यहाँ पे लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे मोटू का जो कैरेक्टर है वो लेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट कॉस्टम पर चले जाएंगे। इम्पोर्ट कॉस्टम पर जाने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्रॉम ड्राइव, फ्रॉम ड्राइव करके एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको इसको इनेबल कर देना है। अगर आप इसको इनेबल नहीं करोगे तो आप यहाँ पर कैरेक्टर ऐड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको इसको इनेबल कर लेना है। तो आप यहाँ पे देखोगे की कोड ऑप्शन आ रहा है, तो ये क्या होता है गाइस ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे जाते हो गेट कैरेक्टर पे जाते हो, तो यहाँ पे आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता रहा हूँ। इसी आपको किसी भी यूट्यूबर ने ये बात नहीं बताई होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से आप इनकी वेबसाइट से जो नए नए कैरेक्टर आते हैं उनको यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो उस की मदद से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्कूल बॉय, और यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन किंग। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के कैरेक्टर मिल जाएंगे। बहुत सारे नए नए यहाँ पे कैरेक्टर आते हैं जो कि एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो की मदद से। जैसे कि मैंने कोई ये स्कूल बॉय चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस स्कूल बॉय को ऐड करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखो इसका नाम आ रहा है, इसका नाम जो है यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है, कैरेक्टर का जो नाम है वो कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कैरेक्टर का नाम जो है कॉपी करके एप्लीकेशन के अंदर चला जाऊँगा। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे जो नाम है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पेस्ट कर दोगे और उसका जो की है उसको आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। तो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ये आपको काफ़ी सारे यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप नए नए जो करेक्टर लेना चाहते हो इनकी वेबसाइट से, तो यहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं की फिर जो की है उसको कॉपी कर लूँगा, तो ये मेरे को लगता है पूरा है यहाँ तक है कि कोड इसका। तो हम इसको सिंपली कॉपी करके एंड पेस्ट कर देंगे अपने यहाँ पे की वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। जैसे आप इसको पेस्ट करोगे, यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस लग गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं W डाल देता हूँ
और उसके बाद आप जैसे ही लोड पर क्लिक करोगे तो आपका जो कैरेक्टर होगा यहाँ पे लोड हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने एक ऐड आ सकता है, तो वहाँ पे आप ऐड को देख लोगे। ये देखिए हमने यहाँ पे स्कूल बॉय को इम्पोर्ट कर लिया अपनी जो की का यूज़ करके और नेम का यूज़ करके, इनकी वेबसाइट से हमने इसको डायरेक्टली इम्पोर्ट कर लिया। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, हमने बता दिया। तो आप इस तरीके से भी इनके नए नए करेक्टर का यूज कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको हटाएंगे, करेक्टर को हटाएंगे, यानी कि अपने जो कस्टम करेक्टर हैं उनको लेंगे। तो यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ पे इस जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर वन है जो जो अभी ऐड किया हमने, इसको हटा देंगे। हटाने के लिए हम यहाँ पे फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका नाम मोटू दे देंगे। हम मोटू पतलू का कार्टून बनाने वाले हैं तो मोटू दे देंगे, मोटू, और लोड पे क्लिक करेंगे। लोड पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आप अपना जो एच डी कार्ड है या आपका जो फ़ोन है वहाँ पे आप पहुँच जाते हो। तो यहाँ पे हम अपना जो एच डी कार्ड है, जो हमारा मेमोरी कार्ड है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम मोटू का जो करेक्टर है इम्पोर्ट कर लेंगे। तो ये मोटू पतलू के जो जितने भी करेक्टर हैं आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे दूसरा जो करेक्टर है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। दूसरा करेक्टर यहाँ पे हम पतलू ले लेंगे, तो उसका भी हम यहाँ पे नाम दे देंगे। तो करेक्टर ऐड करने के लिए फ्रॉम डिवाइस पे आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पे पतलू डाल देते हैं, पतलू, पतलू करेक्टर, ठीक है। यहाँ पे लोड पे जाएंगे और पतलू को ऐड कर लेते हैं। पतलू को हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं, ओके गाइस। तो यहाँ पे पतलू भी हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कैरेक्टर और ले लेंगे, घसीटा राम, ओके, सेम प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे घसीटा राम जी को ले लेते हैं हम, घसीटा राम, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर और ले लेंगे, चाय वाले भैया, जी हाँ गाइस, चाय वाले भैया को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाय वाले भैया डाल देते हैं। चाय वाले भैया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लोड पे जाके चाय वाले भैया को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये रहे हमारे चाय वाले भैया, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पे ऐड आ सकता है, तो आप ऐड को पूरा देख लोगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके जो कैरेक्टर हैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। तो एक एक मूवमेंट जो कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे कि कैसे इनको कराना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनके जो सारे हैं एक ही तरफ हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोटू को इस तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप नीचे मूव का ऑप्शन दिखा देख रहे हो, आप इसको मूव कर सकते हो इस तरीके से। इस पर क्लिक करोगे तो ये मूव हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो प्लस आइकॉन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको फ्लिप कर देना है। ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है आप जैसे क्लिक करते हो फ्लिप हो जाता है। ये आप देखो इसका जो फेस है इस तरफ हो गया। हम पतलू का भी फेस इस तरफ कर देते हैं, यानी कि फ़्लिप कर देते हैं। और हम घसीटे की भी फ़्लिप कर देते हैं, यानी कि उसको भी फ़्लिप कर देते हैं। और हम चाय वाले भैया को यहाँ पे सेट कर देते हैं। और यहाँ पे इस तरीके की कुछ एनिमेशन हम यहाँ पे कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऑटोमेटिकली एनिमेशन जो कर रहे हैं, जैसे आप टैप करो तो ये गिर गया और ये बैठ गया, ये खड़ा हो गया। तो ये कैसे हुआ है, इसको आप जैसे प्लस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने ये मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। 6 मूवमेंट्स आप यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि 1 बार आप क्लिक करो तो ये मूवमेंट हो, और दूसरी बार आप क्लिक करो तो ये मूवमेंट हो, तीसरी बार आप क्लिक करो तो ये मूवमेंट हो, और चौथी बार क्लिक करो तो ये हो। तो इस तरीके का इसमें ये एनिमेशन ये यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आप चले जाते हो, और यहाँ पे आप अगर इसको आइडल रख देते हो तो आपका जो करेक्टर है खड़ा रहेगा। तो हम सबको आइडल कर देते हैं, ये भी आइडल है और ये भी आइडल कर देते हैं, ओके गाइस। तो यहाँ पे अब हम 1 वाले पे जाएंगे क्योंकि हमें नहीं लगता ये यहाँ पे आइडल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडल कर देंगे, ओके, मोटू को भी कर देंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एनिमेशन मिलेंगे, जो जो आपको चाहिए वो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, यानी कि ढूंढ सकते हो। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आएगी। जब आप इसको यूज़ करने लगोगे तो आपको कोई भी इशू यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, आप फटाफट से कैरेक्टर को ढूंढ लोगे। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे सबके अंदर आइडल कर देते हो तो आपके जो कैरेक्टर हैं यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो हम यहाँ पे सब पे तो आइडल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इनको मूवमेंट कराएंगे। तो एक छोटा सा कार्टून क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इनको सेट कर लेना है पहले इनके मूवमेंट को। तो यहाँ पे पहले ये दौड़ते हुए आए, चाय वाले जो भैया है दौड़ते हुए आएंगे, यानी कि रन करते हुए आएंगे और कहेंगे लुट गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, जोन मेरी दुकान लूट के भाग गया।
या डॉन मेरी दुकान तोड़ के भाग गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले मैं इनको सेट कर लूँगा, ये लोग यहाँ से ऐसे खड़े हुए हुए हैं, और ये चाय वाले भैया जो हैं यहाँ आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इनको पहले चलाना होगा। तो यहाँ पे हम इनको आइडल की जगह रन कर देते हैं, रन नहीं, रन से तो ये भागने लगेंगे, रन नहीं करना गाइस आपको, यहाँ पे आपको वॉक करना है। तो आप यहाँ पे देख लोगे वॉक वाला ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे आपको यहाँ पे टॉकिंग मिल रहा है, फिर वॉकिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉक, वॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखो कि हमें ये बोलता हुआ लेके आना है, तो यहाँ पे हमें वॉक के साथ में टॉकिंग भी चाहिए, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि वॉक के साथ में हमें टॉकिंग टॉकिंग का भी ऑप्शन मिल जाए, यानी कि टॉक भी ये करे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वॉक सीट नहीं, तो कहाँ गया वॉकिंग विथ टॉकिंग, यहीं कहीं होना चाहिए गाइस। यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमेशन है, तो कंफ्यूज होने वाली तो बात बनती है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, इनको देख लेते हैं ध्यान से, फिर देखते हैं कि हमें मिलता है या नहीं। टॉकिंग विथ डांस नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे जो वो एनिमेशन है किक वाला, इस वाले सेक्शन में देख लेंगे। हाँ ये रहा, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये मेरे को लगता है कि टॉकिंग है, लूट गया मैं, बर्बाद हो गया मेरी दुकान, जोन लूट के भाग गया, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आएगा। फिर इनको हम आइडल कर देंगे, आइडल, ओके सॉरी किक नहीं मेरे भाई, आइडल हो जा, आइडल आइडल आइडल, और इस पतलू को भी आइडल कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, क्लिक करके नहीं बनता है काम, तो यहाँ से आप कर सकते हो आइडल। ये नहीं हो रहा, क्यों, क्या हुआ भाई? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एंग्री करा के दिखाएंगे। अब यहाँ पे एंग्री के बाद हम यहाँ पे इसको आइडल करेंगे, तो ये मेरे को लगता है आइडल हो जाएगा। हाँ हो गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखो मूवमेंट सेट कर लो, आप पहले तो आप मूवमेंट सेट कर लो कि कैसे आपको रखना है और इन कैरेक्टर को आपको क्या करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से रखेंगे, तो यहाँ पे हम चाय वाले भैया को मूवमेंट देंगे, तो यहाँ से आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग का, तो सेटिंग पे जैसे आते हो आपको एक ऑप्शन मिलता है शो की फ्रेम ऑप्शन, यानी कि की फ्रेम आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो की फ्रेम है यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे आप फ्रेम ऐड करके अपने जो एनिमेशन है वो करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको की फ्रेम शो हो चुके हैं, ये की फ्रेम अगर आप ऐड करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, प्लस करते हो, प्लस करके आप इसको आगे बढ़ाते हो, तो आपके जो एनिमेशन है वो यहाँ पे होगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको आगे बढ़ा लेना है और फिर आपका जो एनिमेशन है होगा। तो यहाँ पे हमसे गलती से ऊपर वाला जो न्यू है उस ये क्लिक हो गया, तो हमारे एनिमेशन रीसेट हो गए, तो हम दोबारा से इसको बैक कर लेंगे और इसको एनिमेशन देंगे शुरू से। तो यहाँ पे हम जीरो कर देंगे और फिर से प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा आगे बढ़ा के इसको की फ्रेम सेट कर देंगे 1, और एक और हम यहाँ पे सेट करेंगे 2। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगता है। तो यहाँ पे हम यहाँ कुछ और की फ्रेम ऐड कर लेते हैं और उसके बाद आपको इसको प्ले करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो हमारा जो कैरेक्टर है यहाँ पे आके प्ले हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा जो कैरेक्टर है यहाँ पे प्ले हो गया। तो आप इस तरीके से एनिमेशन करोगे तो आपका जो कैरेक्टर है यहाँ पे बात करेगा, फिर आप इस पर टैप करोगे जो आपने मूवमेंट सेट किया है तो ये रुक जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे टैप करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आइडल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको एनिमेशन दे सकते हो और अपना जो एनिमेशन वीडियो है वो बना सकते हो। यहाँ पे आप जैसे रिकॉर्ड पर क्लिक करते हो यहाँ से आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो अपने स्क्रीन रिकॉर्डर से, तो यहाँ पे आप कोई भी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर पाओगे इजीली। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो वीडियो है रिकॉर्ड हो चुका है, उसके बाद हम यहाँ पे मोटू का जो एनिमेशन है वो देंगे। मोटू इसके पास आता है और बोलता है अब भाई आप टेंशन ना लो, हम चिंगम सर से जॉन को पकड़वा लेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एनिमेशन करोगे तो आपका जो एनिमेशन है बहुत ही प्रॉपर होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, नेक्स्ट वीडियो में हम आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट डे, सी यू टुमारो।